नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं तो आज की जानकारी आपके कान खोल देगी। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद ही आपको पता ना हो या हो, यदि पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने कभी सुना है किसी अधिकारी की वेतन या किसी विभागों के बहुत सारे अधिकारियों की वेतन लेट हुई है या एक महीने से, दो महीने से, चार महीने से नहीं मिली है? ऐसा आपने शायद ही सुना हो, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडी में सबसे पहले अधिकारियों के बिल लगाए जाते हैं और सबसे लास्ट में, अंतिम में कर्मचारियों के बिल लगाए जाते हैं। कभी कभी बजट भी खत्म हो जाता है इसी कारण से, और कभी कभी जानबूझकर बिल भी लेट लगाए जाते हैं। इसलिए कर्मचारियों को कभी कभी काफ़ी दिनों बाद या महीने दो महीने बाद वेतन लेट मिलता है, कभी तारीख निकलने के बाद वेतन मिलता है। तो दोस्तों, इसी संबंध एक महत्वपूर्ण खबर इंदौर जिले से आ रही है, उसको हम जान लें। आप सभी कर्मचारी हैं तो जरूर देखें पूरा, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कुछ विचार अपने मन के जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी ताज़ा समाचार है, अधिकारी पहले कर्मचारी बाद में। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत बड़ी बात ताज़ा खबर है, मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी जरूर देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये इंदौर जिले की खबर है, क्या आपके जिले में भी ऐसा होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं लैच को। तो दोस्तों, बगैर पगार यानी वेतन के मैदान में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारियों का पहले रिलीज कर दिया वेतन। तो दोस्तों, कोरोना के कहर से जूझ रहे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी तंत्र की लचरता के कारण तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। हद तो यह हो गई कि आला अधिकारियों के वेतन तो खातों में डाल दिए गए, लेकिन मैदान में काम कर रहे निचले कर्मचारी बिना वेतन के ही कठिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। ट्रेजरी के अफसरों का तर्क है कि संबंधित विभाग ही देरी से बिल जमा कर रहे हैं कि जिसके कारण तनख्वाह में देरी हो रही है। गौरतलब है कि अप्रैल माह के 7 दिन बीत चुके हैं। अधिकांश सरकारी विभागों में 1 से 5 तारीख के बीच कर्मचारियों की तनख्वाह जारी हो जाती है। हर साल मार्च माह में बजट आने के बाद ही विभाग तनख्वाह के लिए बिल ट्रेजरी में लगाते हैं। इस बार 20 मार्च से ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन जैसे हालातों के कारण इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ अन्य विभागों के दफ्तर बंद हैं, कर्मचारी घरों में ही कैद हैं। 3 अप्रैल से ट्रेजरी में कुछ विभागों के बिल लगने शुरू हुए थे। ट्रेजरी से उनके बिल पर तत्काल मुहर लगना भी शुरू हो गई। पड़ताल में सामने आया कि प्रत्येक विभाग पहले अपने अधिकारियों की तनख्वाह के बिल लगाते हैं, जबकि कर्मचारियों के बिल सबसे आखिरी में लगाए जाते हैं। यही वजह है कि 7 अप्रैल तक प्रदेश के पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की तनख्वाह के बिल अब तक ट्रेजरी में नहीं लगाए गए, जबकि इन्हीं विभाग के अफसरों के खातों में तनख्वाह पहुँचनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि मैदान में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ ये जो है दोषपूर्ण दोगला व्यवहार ट्रेडी के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के बिल पहले लगा के उनकी पहले वेतन डाल दी जाती है और कर्मचारियों की बाद में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर अपने विचार लिखें, सुझाव लिखें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।